हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मेरे पास पुराने कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि जो कि मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब वो अपनी वर्चुअल डिस्क जो अपनी करते हैं ना, इसमें वर्चुअल डिस्क में एरर आता है जब वो क्लीन कमांड डालते हैं, तो उनके पास एक एरर फेस होता है जो कि वर्चुअल डिस्क सर्विस एरर आता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि वो वर्चुअल डिस्क एरर क्यों आता है। जैसे कि मेरे को काफ़ी बंदों ने पूछा कि जैसे हम सर ऐसे करते हैं तो हमारे पास ये एरर फेस होते हैं, तो हम इसका क्या करें। तो देखो भैया, अगर इस एरर को हमें ख़त्म करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। मेनली ये एरर कब आते हैं, एरर तब आते हैं जैसे कि हम कुछ वहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं हमारी कमांड पोर्ट्रेट में अपनी कमांड लगा के, या फिर हम किसी जैसे यूएसबी लगा लिया, यूएसबी की साइज़ को हम उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट करते टाइम उसमें प्राइमरी पार्टीशन करते हैं, उसमें क्लीन करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो हम उसमें प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे, जैसे कि मेरे पास कमेंट आ रहे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये वीडियो आपके लिए है। आपको करना क्या होता है, जब भी आपके पास एरर शो होता है तो हमें सबसे पहले करना होता है जो आप पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट कर रहे हो तो उसको प्लग आउट कर दीजिए। प्लग आउट करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद अपना सर्विस ओपन कर लीजिए। सर्विस ओपन करने के बाद वहाँ पे एक वर्चुअल डिस्क सर्विस आ रही होगी, उस सर्विस को आप थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दीजिए। तो उसको डिसेबल करने के बाद जब आप उसको दोबारा प्लग इन करोगे, प्लग इन करने के बाद उसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद जब आप कमांड पोर्ट्रेट ओपन करोगे तो वहाँ पे आप जब इसकी क्लीन कमांड लगाओगे, प्राइमरी पार्टीशन करोगे, तब आपको जो एरर है वो फेस नहीं होगा। ये एरर तभी शो होता है क्योंकि जैसे हम कमांड लगाते हैं, हमने क्लीन कमांड डाल दी, वो एरर आ गया और वो वर्चुअल डिस्क सर्विस वो इनेबल रहती है। अगर आप उसमें दोबारा कमांड लगाओगे तो पहले वाली सर्विस जो है वो चलती रहती है बैकग्राउंड में, तो पहले वो उसको ठीक करेगा, फिर आपकी दूसरी कमांड को आगे रन कराएगा। बट वो पहले वाली अगर आपकी अटकी है तो आप सेकेंड आपकी काम नहीं करेगी, तो आपको उसको मैनुअली जाके वहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद आप दोबारा उसको प्लग इन करोगे, दोबारा करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें मैं अपनी हैकिंग्स की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको लिनक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, काल लिनक्स से, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।